हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। मैंने ज़्यादातर अपना गार्डन आपको डे टाइम में दिखाया है, लेकिन आज है शरद पूर्णिमा, तो सोचा क्यों ना आज आपको दिखाऊं कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में मेरा गार्डन कितना खूबसूरत लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को मून बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसकी चांदनी भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, तो सोचा क्यों ना आज आपको दिखाऊं कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में मेरा गार्डन कैसा लगता है। ये देखिए, बादलों में छुपा हुआ चांद है और यहाँ पर है ये मेरा गार्डन, छोटा सा गार्डन जिसे आपने पहले कई बार दिन की रोशनी में देखा है, मतलब आपने बहुत बार और बहुत पसंद भी किया है। लेकिन आज मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे गार्डन का नाइट व्यू किस तरह का है। तो यहाँ पर ये वाइट स्टैंड है, पीछे कुछ आर्टिफैक्ट्स मैंने लगा रखे हैं वॉल पर, ये देखिए। और यहाँ पर इसे आगे चलते यहाँ पर है लंदन पाइन, लंदन पाइन के बाद यहाँ पर नॉरिना पाम है, साइकस है, ये सब फुल मून के फुल सन के प्लांट्स हैं। यहाँ पर ये मेरा करी पत्ता लगा हुआ है, ये भी इसकी भी डिटेल केयर वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर है मेरे गार्डन का फोकल पॉइंट, ये बुद्धा जी का स्टैचू, जहाँ मैंने एक छोटा सा जेन कॉर्नर बनाया हुआ है अपने गार्डन में। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। ये रात को यहाँ पर बहुत सुकून, बहुत कामनेस होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठना। और उसके बाद यहाँ पर ये मनी प्लांट है, मॉन्स्टेरा है जो मैं कटिंग से डेवलप किया है, उसके बाद नियॉन मनी प्लांट है, रेडर मचेरा है, इन सब प्लांट्स के बारे में डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अगर आपने अब तक नहीं देखी है। नीचे स्पाइडर प्लांट है, बॉक्सेस है, यहाँ पर हैंगिंग में मैंने सिंगोनियम लगाया हुआ है, हैंगिंग्स में लगाने के लिए बहुत खूबसूरत प्लांट है। यहाँ पर ये ब्लैक टर्टल वाइन है और इसमें ये जो मॉस्टिक बनाई है ये मैंने आपके लोगों के साथ शेयर करी थी कि कैसे ज़ीरो कॉस्ट मॉस्टिक आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और देखिए इस मॉस्टिक पे मेरा ब्लैक टर्टल वाइन कितना खूबसूरती के साथ फ्लरिश कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्रोटन्स रखे हुए हैं, अगेन यहाँ पर सिंगोनियम आ जाता है, अरेलिया है, स्पाइडर प्लांट है आगे यहाँ पर। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा इकेवेरिया का प्लांट रखा हुआ है, कुछ लोग इसे लक्ष्मी कमल के नाम से भी जानते हैं। अभी थोड़ा अंधेरा है लेकिन जल्दी मैं इस पर एक वीडियो आप लोगों के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पर पीछे यहाँ पर सेंसिवेरियाज हैं, ये बुद्धिस्ट पाम है, इसे एलोकेशिया कुकुलाटा भी कहते हैं, बहुत सुंदर प्लांट है, इंडोर भी रख सकते हो आप इन्हें। फॉक्सटेल फर्न है, अगेन सिंगोनियम है, और ये देखिए यहाँ पर फॉक्सटेल फर्न की भी मैंने डिटेल केयर वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर पीछे पिंक सिंगोनियम है, फिर उसके बाद यहाँ पर अरेलिया, शमी का प्लांट है। अभी मेरी लास्ट वीडियो मैंने शेयर करी है कि कैसे आप 10 शुभ पौधे घर पर लगा सकते हैं, तो उसमें शमी भी है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है जोनेडो का प्लांट, फिर आता है स्टारलाइट फाइकस, और यहाँ थूजा का प्लांट है। यहाँ थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है क्योंकि कॉर्नर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर मेरी तुलसी है, थूजा है, पेडिलंथस है, इस तरह के प्लांट्स हैं जो फुल मून फुल सन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मेरा सन वाला एरिया है। यहाँ पर ये मेरा बोगनवेलिया है, ये देखिए ऑरेंज कलर का बोगनवेलिया कितना सुंदर लग रहा है, पूरा बंच का बंच निकला हुआ है इसमें। और यहाँ पर ये मेरा सुदर्शन का प्लांट है, फिर यहाँ पर ये देखिए मेरा एक्जोरा के प्लांट में कितनी सारी कलियाँ आ रही हैं और एक फूल भी निकला है। कहते हैं कि एक्जोरा का प्लांट पॉट में ब्लूम नहीं करता, लेकिन मेरा तो फिर भी बहुत अच्छे से कर रहा है। यहाँ पर अगेन चंपा का प्लांट है, ये देखिए मतलब चांदनी रात में कितने खूबसूरत वाइट सा कलर का इसका फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर टिकोमा देखिए मेरा कितना अच्छा ब्लूम कर रहा है, समर के लिए बहुत सुंदर प्लांट लगता है मुझे, बहुत वाइब्रेंट कलर है। और ये देखिए यहाँ से मून दिख रहा है, चांदनी रात है, और कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं गार्डन में, ये व्यू तो बस मन मोह लेता है। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये टिकोमा का वाइब्रेंट येलो कलर इस टाइम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पीछे एस्पेरेगस है, यहाँ पर अगेव अमेरिकाना का प्लांट है, ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है, बहुत इजी टू केयर है, इसके भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। यहाँ पर ये मैंने फाइकस की मेरी बोनसाई रखी हुई है, ये थोड़ी बंदरों ने पता नहीं कैसे ख़राब कर दी, मुझे समझ ही नहीं आया। उसके बाद मेरे अडेनियम्स के छोटे छोटे पौधे हैं लेकिन पूरे फुल ब्लूम पर हैं इस टाइम। उसके बाद मेरी जेड टोपियारीज हैं, यहाँ पर बहुत सारी जेड टोपियारी, मेरा फेवरेट प्लांट है, बहुत बार मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया है। और यहाँ पर अगेन एक और एक्जोरा का प्लांट रखा है, और यहाँ पर ये ब्रोकन पॉट फेरीटेल जो मैंने आपके साथ बनवाया था, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करी थी। तो यहाँ पर आगे चलते हैं,
यहाँ पर ओलियंडर है, यहाँ जो ये एरिया है यहाँ पर थोड़ी सी लाइट रोशनी कम है इसलिए शायद इतना अंधेरा है, आपको दिख नहीं पाएगा अच्छे से। यहाँ पर ये मेरा मैरीगोल्ड का फ्लावर है, मैंने सूखे पूजा के फूल से ही ये बनाया था, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करी थी। अगेन यहाँ पर मेरी जेड की है टोपियारीज रखी हुई, यहाँ पर अगेन जेड की टोपियारी है। और यहाँ पर ये मेरा इमोजी प्लांटर्स है, इसकी भी मैंने शॉट आप लोगों के साथ शेयर करी थी और आप लोगों को बहुत पसंद आया था। ये आइसक्रीम के कप्स हैं और यहाँ पर ये कुछ DIYs हैं गार्डन को सजाने के लिए, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये भी सब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किए हुए हैं। मैं छोटे से छोटे काम जो अपने गार्डन में करती हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद भी आएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है गाइस तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइए कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा मैंने आपको टूर दिया है इस टाइम की चांदनी रात में मेरा गार्डन, या कि चांदनी रात में या रात में मेरा गार्डन कैसा लग रहा है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि नाइट व्यू मेरे गार्डन का कैसा है। आज की रात कुछ खास थी, शरद पूर्णिमा की रात थी इसलिए मैंने आज की रात का व्यू आप लोगों को दिखाया है कि मतलब मेरा गार्डन कैसा लगता है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ और नया आप देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी आगे आने वाला टाइम फेस्टिवल सीज़न का, मैं बहुत सारे फेस्टिवल DIYs आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आगे आने वाले टाइम में भी करूँगी। तो प्लीज़ 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 आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद है ना मुझे इस साल 10K तक आना है जो आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।